नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Pad Mini LTE versus Samsung Galaxy Tab A8 2021 LTE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Pad Mini LTE में 8.34 इंच जबकि Tab A8 LTE में 9.71 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Pad Mini LTE में 4.9 इंच जबकि Tab A8 LTE में 6.37 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Pad Mini LTE में 0.3 इंच जबकि Tab A8 LTE में 0.27 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Pad Mini LTE में 372 ग्राम्स जबकि Tab A8 LTE में 508 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Pad Mini LTE से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Pad Mini LTE में TFT LCD जबकि Tab A8 LTE में TFT की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Pad Mini LTE में 8.7 इंचेस जबकि Tab A8 LTE में 10.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Pad Mini LTE में 800x1340 और Tab A8 LTE में 1200x1920 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Pad Mini LTE में 81.7% जबकि Tab A8 LTE में 80.32% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Pad Mini LTE में 179 पिक्सल प्रति इंच जबकि Tab A8 LTE में 216 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Pad Mini LTE में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Tab A8 LTE की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Pad Mini LTE में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Tab A8 LTE की बात करें तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Pad Mini LTE में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Tab A8 LTE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों टैब में सेम ही है। GPU की बात करें तो Pad Mini LTE में Mali G57MP1 जबकि Tab A8 LTE में Mali G52MP2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Pad Mini LTE में Unisoc T616 और Tab A8 LTE में Unisoc T618 मिलता है। बात करें RAM की तो Pad Mini LTE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है जबकि Tab A8 LTE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Pad Mini LTE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Tab A8 LTE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों टैब में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों टैब में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी Pad Mini LTE में 6400 mAh जबकि Tab A8 LTE में 7040 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Pad Mini LTE में 2 कलर्स जबकि Tab A8 LTE में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Pad Mini LTE में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है और बात करें Tab A8 LTE की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Pad Mini LTE में 5 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है।
जबकि बात करें Samsung Galaxy Tab A8 2021 LTE की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें लेनोवो टैब M7 थर्ड जेन है, दूसरा मोटो टैब G20 है, तीसरा मोटो टैब G70 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Realme Pad LTE है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।